एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड योर होस्ट बादल भंडारी एंड आई वेलकम यू इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज डॉग्स योर फ्रेंड्स फॉरएवर। डियर फ्रेंड्स, आज बहुत स्पेशल चीज आपके सामने लेके आया हूँ, बहुत ही जबरदस्त। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज तक मैंने जिस चीज को कवर नहीं किया वो आप सबकी डिमांड पे कवर कर रहा हूँ, एंड दैट इज लोकल इंडियन ब्रीड। हमेशा सब लोग बोलते हैं सर इंडियन डॉग्स दिखाइए, इंडियन डॉग्स दिखाइए, तो प्राउडली मैं इंडियन डॉग्स दिखा रहा हूँ। ग्रेहाउंड ब्रीड है, उनका शो चल रहा है, उनकी रेसेस चल रही है और वो मैं कवर करने के लिए आया हूँ। और मेरे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है बिकॉज तरह तरह के डॉग्स आ रखे हैं, बहुत दूर दूर से डॉग आ रखे हैं। किसी के पास इम्पोर्ट है, किसी के पास ब्रेड इन इंडिया है, किसी के पास कुछ तो कुछ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि हर किसी ने अपने बच्चे को बहुत अच्छे से ट्रेन किया है, शौक से लेके आते हैं, 10-10 किलोमीटर की उनकी रनिंग करवाते हैं, वॉक करवाते हैं, उनकी कैसी केयर होनी चाहिए, क्या केयर, क्या डाइट, ईच एंड एवरीथिंग जो आप जानना चाहते हैं ग्रेहाउंड ब्रीड के बारे में, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा सो दैट आप किसी भी इंपॉर्टेंट चीज को मिस ना करें ग्रेहाउंड के बारे में। रेस भी दिखाऊंगा, रेस का एंड भी दिखाऊंगा, रेस कैसे होती है वो भी दिखाऊंगा। मेरे पीछे इस समय भी रेसेस चल रही हैं। सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि दे आर फास्ट लाइक लाइटनिंग स्पीड। मेरे साथ में बहुत ही सुंदर सा ग्रे हाउंड है और ये वाकई में ग्रे कलर का है, इसका नाम जोगी है, बहुत ही शानदार डॉग है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हॉलैंड इम्पोर्ट है, इज 4 ईयर प्लस, 4 साल तो उत्ते भाजी नहीं, 3 साल था जी, पर भाजी उन्होंने 4 लाख तो उत्ते खर्चे है। ही हैज स्पेंड मोर देन 4 लाख टू बॉय दिस डॉग। और भाजी होर दसो ये बारे, बच्चे बारे की दसना चाहते हो, की खासियत है इस ब्रीड की? अच्छा जी, इन्होंने हॉलैंड से खरीद के इटली लेके गए इस बच्चे को, इटली से देन इंडिया लेके आए और दिल्ली में इन्होंने इसे लैंड करवाया। और ये कितनी एज का था जी जब आप लेके आए इसे? 12 महीने का था। ओके, तो ओके 2-2.5 साल का हो गया। पाजी ये क्या सेवा क्या कर रहे हैं आप इसकी, क्या खिलाते हैं इसको? चिकन खिलाते हैं शाम को, रोज चिकन होता है। चिकन के साथ में क्या देते हैं? दलिया वगैरह पा देंगे। ओके, तो नाश्ते सुबह दही, अकेला दही? ओके, ओके दही मक्खन। ओके, और लंच में भी देते हैं कुछ दोपहर को? नहीं, सुबह दही पा देता हूं ज्यादा। ओके, फिर लंच में दे देते, शाम को नहीं खाता। ओके ओके ओके, तो और प्रैक्टिस कितनी चाहिए होती है जी इसको? 9-10 किलोमीटर डेली। ओके, तो वो साइकिलिंग पे करवाते हैं या कैसे करते हैं? अभी पहले साइकिलिंग पे, पहले पैदल थी रनिंग के तौर पे, फिर साइकिल पे आए। ओके, फिर बाद में अभी आएंगे मोटरसाइकिल पे। ओके ओके ओके, अच्छा तब पूरी स्पीड लेगा? ओके, स्पीड लेगा और आस्ते आस्ते दम पकाएंगे। ओके, इसके जैसे ये बता रहे हैं हैबिट बनाने के लिए, देखिए सालों की प्रैक्टिस है, इट्स नॉट ओवरनाइट प्रोसेस की बस किया और हो गया, डेली प्रैक्टिस करवानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। इसका जो बॉडी वेट है इस समय अराउंड 37 kg के करीब बताया आपने, अराउंड 37 kg का बॉडी वेट है। आइडियली कितना वेट होना चाहिए भाजी, आप क्या सजेस्ट करते हैं? 32 में बजेगा 31 में पूरा बेस्ट भागेगा। अगर इसका जो बॉडी वेट है 30 से 32 kg के करीब होगा तो ये अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकेगा, बिकॉज इसको सिर्फ मसल्स का वेट चाहिए, कोई एक्स्ट्रा फैट नहीं चाहिए। जितने अच्छे स्ट्रॉन्ग मसल होंगे उतना ही ज़्यादा ये रनिंग करेगा, क्योंकि जितने भी जॉइंट्स हैं वो बेसिकली तो मसल्स के हिसाब से ही चलेंगे। थैंक यू सो मच भाजी, थोड़े टाइम लाई, बड़ा अच्छा बात करके, थैंक यू सो मच। मेरे साथ में जी बहुत ही शानदार सा क्वालिटी का ग्रे हाउंड और उसके ऑनर है साथ में, सिंह साहब अपना नाम दस्यो भाजी। शमशेर सिंह सोनू, ते डॉग का नाम भाजी? जैकी नाम है जी डॉग का। कितनी एज होगी जी? यदि 2 साल का डॉग है जी, बहुत ही शानदार डॉग है, बहुत मज़ा आ रहा है बच्चे देख के। ही इज़ अबाउट टू गो फॉर हिज रेस, मैनेज करना, गुस्सा करता है? नहीं, शरीफ है। आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी अच्छी है, ही इज अ वेरी गुड हाइट, मस्कुलर डॉग है, ब्लैक कलर में, छोटा सा पतला लंबा फेस होता है इनका, छोटा हेड होता है, एंड ही सो एक्साइटेड फॉर हिज रेस। ये डॉलर का बच्चा है, डॉलर, ये डॉलर का बेटा है जी, और डॉलर भाई है इसका। अच्छा, डॉलर का ब्रदर है जी, ये डॉलर का ब्रदर है, एडम का बच्चा है, एडम का बच्चा है, ठीक है ठीक है जी। अभी इसकी हम जो रेस है उसे कवर करेंगे।
मेरे साथ में सुखदीप सिंह जी हैं और साथ में व्हाइट जेट है। आप देख सकते हैं पतला सा डॉग है, ये डॉग होते ही ऐसे हैं पतले, जितना पतला उतना वेली वेल मेंटेन्ड और बहुत अच्छा टेम किया, उन्होंने ट्रेन किया हुआ डॉग को फाइट के लिए और सॉरी रेस के लिए। अभी इसकी भी रेस को कवर करेंगे, देखेंगे कौन सा बच्चा जीता है। बेस्ट विशेज फॉर एवरीवन। बेसिकली डियर फ्रेंड्स, जो आज मैं ग्रेहाउंड की रेस कवर कर रहा हूँ, ये सबसे अमेजिंग इसलिए है क्योंकि जो डॉग्स हैं वो चेज करते हैं रैबिट जैसी, एक टैडी बना होता है काइंड ऑफ रैबिट, डमी बोलते हैं उसे, उसे कवर करते हैं, उसको फॉलो करते हुए भागते हैं। और आप अगर देखेंगे, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, वो एंड में जब रेस ख़त्म होती है तो एक कारपेट जैसा पड़ा हुआ, बोरी जैसा, सैक जैसा, उसके नीचे वो हाइड हो जाता है। वही सबसे ज़्यादा मज़ेदार है चीज़, क्योंकि वो अपने अपने शिकार को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जो मैं सैक की बात कर रहा था या बोरी की बात कर रहा था, वो यही बोरी है जिसको सिंह साहब ठीक कर रहे हैं। और इसके आगे वो रैबिट जैसा पड़ा है जो मैंने आपको बताया था, जो डमी बनाई हुई है। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि डॉग्स को ये ऐसा नहीं है कि सिंह साहब मारा जाए प्लीज साइड से होना, ऐसा नहीं है कि एक दिन की बात है, इसके लिए महीनों की प्रैक्टिस होती है। जो ऑनर हैं वो अपना खून पसीना एक करते हैं, डॉग भी अपनी मेहनत पूरी दिखाते हैं। अब देखिए ये वापस जा रहा है, ये वापस जा रहा है, और ये जो वापस जा रहा है इसको हर बारी हर रेस के बाद में बाइक पे आके दो बच्चे लेके जाते हैं वापस, और वहाँ जाके इसको हाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे सैक के नीचे पड़ा है, दूसरे एंड पे भी ये सैक के नीचे ही होता है। और ये जो डॉग्स हैं ये बहुत बहुत दूर से आ रखे हैं, किसी के पास इंपोर्टेड डॉग है, किसी के पास इंडियन डॉग है, बट सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सभी के सभी बहुत ही प्यारे और बेहतरीन डॉग हैं। कॉन्टीन्यूटी में ही मैं वीडियो को, वहाँ से जो रेस स्टार्ट होने वाली है वो इसी वीडियो को बिना एडिट किए मैं कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि अभी यहाँ से वो जो डमी है वो गई है और वहाँ वो डॉग्स के आगे पड़ी हुई है। वो देखिए सैक के नीचे वो डमी है, और बस उन्होंने उसको डमी के ऊपर से कपड़ा उठाना है और रेस स्टार्ट हो जाएगी। ये स्टार्ट हो गई जी रेस। एवरीबडी इज़ रनिंग बिहाइंड इट। अब ये देखिए ब्यूटीफुल। ये जो बच्चा है देखिए आप, ये रेस के लिए रेडी किया है इन्होंने, इसके हेड के ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़काया ताकि उसका दिमाग भी ठंडा रहे, शांत रहे, और हल्का सा हनी लिख करवाया उसको। जो दूसरा डॉग है उसको भी वैसे ही कर रहे हैं, हल्का सा पानी छिड़का उसके ऊपर। ये देखिए जी, एक और बच्चा तैयार हो रहा है रेस के लिए, इसको इन्होंने पानी डाला है इसके फोरहेड पे, माथे पे पानी डाल रहे हैं, फेस पे पानी डाल रहे हैं ताकि वो ठंडा रहे, फ्रेश हो जाए, और वो जो सुस्ती पड़ी होगी वो भी निकल जाएगी रेस्ट करने के बाद में। इसको शायद चिटा दिया भाजी, ये चिटाना है अभी, अच्छा जी। ये जो बच्चा है इसको रेडी कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, देखिए आप दोबारा। और ये सारा दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ इसलिए क्योंकि एक आम आदमी को ये सब चीज़ें पता नहीं है कि ग्रेहाउंड रखना, सिर्फ ग्रेहाउंड रखना सब कुछ, डॉग रखना सब कुछ नहीं, इनके लिए मेहनत तपस्या बहुत ज़्यादा आती है। जो इसको वाइट कलर का इन्होंने टैग जैसा डाला है पीठ पे, वो इसलिए डाला है वो निशानी के लिए, क्योंकि कई बार ही होता है सेम कलर के दो डॉग भागेंगे तो जो जज है उनको जजमेंट के लिए दिक्कत ना आए, क्योंकि ये बिजली की स्पीड पे निकल जाते हैं सामने से। इसकी अगर आप देखेंगे चेस्ट बहुत डीप है, मस्कुलर है, ये शहद है जी, शहद पिलाने लगे हैं इसको बच्चे को, ताकि जो बॉडी है उसकी, उसके लिए, और उसका सांस नहीं सूखेगा इसके बाद में। इसे थोड़ा सा पानी भी पिलाएंगे इसके लिए, इसको पंप करके पानी थोड़ा सा और पिलाएंगे। बड़ी सारी चीज़ें हैं जी, डॉग्स की बड़ी केयर करनी पड़ती है, बहुत मेंटेन करना पड़ता है। एंड नाउ शी इज़ रेडी फॉर हर न्यू रेस। फिर से रेस स्टार्ट होने लगी है एंड इट इज़ अबाउट टू स्टार्ट। स्टार्ट हो गई जी, मैं आपको दिखाऊंगा इसको कितना फास्ट आ रहे हैं डॉग्स। ये देखिए टांगे भी नहीं दिखाई देते और ख़त्म हो गई थी, ब्यूटीफुल। मेरे सामने एक बहुत ही प्यारा सा डॉग है ग्रेहाउंड, एंड इसका वाइट एंड ब्राउन कलर है, कैमल कलर भी कह सकते हैं, वाइट एंड कैमल कलर। शी इज़ हैविंग ब्यूटीफुल बॉडी। लड़की है जी, कुड़ी है ना, हाँ फीमेल है। इट ऑल डिपेंड्स, आप कितना गल करते हैं, असं इदा ही करते हैं। पर जी माड़ा जहाँ डिटेल दसो ये बारे, तुसी ऑनर हो दे, कितों आए हो? हजूर साहब लग, खडूर साहब, वो कितने होया भाजी? आले दुआले ही है कि डिस्ट्रिक्ट तरन तारण तो आए हुए ने जी, काफ़ी दूरों आए ने,
डॉग की रेस कराने लिए बहुत शौकीन बंदे ने जी पंजाब च बहुत बहुत शौकीन ने अपने बच्चों वगर पालते ने डॉग्स नू ते रेस लवाने लिए दूर दूर लैके जाते हैं। भाजी कितनी उम्र होगी जी फीमेल की? दो साल की होगी है। तो भाजी की सेवा वगैरह कि करते हो? अच्छा जी ओके दुध दही तो फीड वगैरह मीट मूट पाते हो? ओके ओके तो भाजी एक्सरसाइज वगैरह कि? ओके तो भाजी पूरा साल करानी पैंदी है या जस्ट रेस दे दिनां च? रेस दे दिनां सियालां च ही होंदी है मतलब सर्दियां च ही होंदी है ना। ओके मैं इस फीमेल को पूरा कवर कर रहा हूँ जी। ये बहुत सुंदर फीमेल है और बहुत अच्छी हाइट है इसकी। इसको मास्क डाला हुआ है सो दैट ये किसी और डॉग को देख के अग्रेसिव ना हो जाए, अदरवाइज दे आर वेरी वेल बिहेव्ड वेरी वेल टेम्पोमेंट। इसकी आप अगर देखेंगे इसकी इसको मैं क्लोजअप में अगर मैं लेता हूँ तो आप देखिए इसकी जो हार्ट बीट है वो कितनी फास्ट हो रखी है। रेस लगा के आई है जी, रेस लगा के आई है। शी इज़ ट्राइंग टू कूल डाउन हर। अब एक और चीज़ बताता हूँ, जो डॉग्स हैं जब इनकी रेस्पिरेशन फास्ट होती है वो इसलिए होती है कि ये अपनी बॉडी को जल्दी से जल्दी बैक अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर लेके आए सो दैट जो इनकी बॉडी है वो किसी भी टाइप का कोई स्ट्रोक ना ले जाए। बहुत ही शानदार फीमेल है। पीछे एक भाई और खड़े हैं वो बता रहे हैं कि इसके जो पेरेंट्स हैं दे बोथ आर इम्पोर्टेड एंड नो डाउट अबाउट इट शी इज़ अ ब्यूटिफुल फीमेल। बहुत सारे लोग हैं इसकी रिब्स देखेंगे जो YouTube चैनल पे जिन्होंने पहले ग्रे हाउंड्स नहीं देखे इतने क्लोजली उनको लगेगा ये बहुत वीक है, बट ग्रे हाउंड्स ऐसे ही होते हैं। अगर ये फैटी हो जाएंगे तो ये ग्रो नहीं करेंगे, मज़ा नहीं आएगा, इनसे भागा ही नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच डियर। ओके डियर फ्रेंड्स, मेरे सामने एक बहुत सुंदर सा ब्लैक कलर का ग्रे हाउंड है और ही इज़ हैविंग ब्यूटीफुल ईयर्स। अभी वो कान खड़े कर ले रहा है, उसके जो ऑनर हैं उसे प्यार कर रहे हैं तो वो कान सीधे खड़े कर लेता है, टच करता है तो वो कान डाउन कर लेता है। अभी उसके साथ में फॉन कलर की एक और डॉग आया है, फीमेल है वो, अगेन शी हैड अ रेस। उसके जो ऑनर हैं आप देखेंगे वो अभी एकदम से उसको उन्होंने उसे नीचे लेटा लिया है और उसको रेस्ट करवा रहे हैं सो दैट वो प्रॉपर ऑक्सीजन ले सके, उसको हीट स्ट्रोक ना हो। बहुत बारी ऐसा भी होता है हीट स्ट्रोक की वजह से या जो बॉडी टेम्परेचर एकदम राइज कर जाता है उसकी वजह से समटाइम्स डॉग की डेथ भी हो जाती है। तो ऑनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने डॉग्स को और बहुत ख्याल रखते हैं इस चीज़ का। थोड़ा सा डिटेल दसो भाजी रॉबिन बारे। ये जो डियर फ्रेंड्स, ये जो रॉबिन यूएसए, शी इज़ अ फीमेल और ये मुझे अब पता लगा कि ये फीमेल है। अभी शी हैड अ रेस, रेस ला के आई है, होगी पहले लाई है ना इन्हें रेस। आप देख सकते हैं स्टिल शी इज़ हैविंग शिवरिंग इन हर हाइंड लेग, राइट लेग में शिवर कर रही है। और ऐसा नहीं हो कोई वीकनेस का साइन है बट वो थकावट का साइन है क्योंकि ये बहुत स्पीड पे भागते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं जब ये भागते हैं। रेस स्टार्ट होती है एक तरफ से जिसके आगे एक डम्मी रैबिट जैसा कुछ होता है जो मैंने अभी कवर किया है शूट में, मैं दिखाऊंगा या आपने देखा होगा पहले भी। उसको ये फॉलो करते हैं अपनी बेइंतहा एनर्जी लगा के, पूरे साल की मेहनत इनका जो एफर्ट है वो ये सारा लगा देते हैं। जो ऑनर्स हैं उनको बहुत एक्साइटमेंट होती है बिकॉज उन्होंने कई महीनों की मेहनत की होती है इस सब चीज़ के लिए। अगेन एक और फीमेल है वो सिंह साहब, उसको लेके खड़े हैं उसे कूल डाउन करने के लिए। उन्होंने इसकी फ्रंट लेग्स ऊपर की है सो दैट शी कैन ब्रीद प्रॉपरली, उसको वो अच्छे से सांस ले सके। इसके साथ में जो दूसरा फोन कलर का है जिसकी सिंह साहब मसाज कर रहे हैं बिकॉज शी जस्ट हैड अ रेस, अभी भाग के आई है वो, उसका नाम रावी है। पाजी रावी कितनी उम्र दी होगी जी? 16 महीने की है जी। शी इज़ अ ब्यूटीफुल ग्रे हाउंड फीमेल। अगर आप फेस देखेंगे इसका, शी इज़ हैविंग वेरी लॉन्ग फेस। मेरे सामने रावी है जी एंड शी इज 16 मंथ्स ओल्ड फीमेल, फॉन कलर है। उसके जो ऑनर हैं वो उसे मसाज कर रहे हैं बिकॉज अभी ये रेस लगा के आई है। सिंह साहब हम क्यों मसाज करते हैं थोड़ा सा बताएंगे प्लीज़? थकावट होती है मसाज करने से, जैसे ह्यूमंस में होता है जब हम थक जाते हैं तो हम लोग बॉडी मसाज करवाते हैं कुछ भी, उसी तरह से ये अपने बच्चों की तरह इनकी केयर करते हैं और वो कितनी मेहनत कर रहे हैं उसे कूल डाउन करने के लिए। और एक और जो साथ में बैठी है, मैं इसकी आपको क्वालिटी फीचर्स बता रहा था, अगर आप इसका फेस देखेंगे तो शी इज़ हैविंग ब्यूटीफुल लॉन्ग फेस, पतला सा चेहरा है, लंबा सा चेहरा है और हेड जो है वो ज़्यादा ब्रॉड बिल्कुल नहीं होता, पतला सा हेड होता है। जो ईयर है वो बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं। अभी उसके जो ऑनर है उसे प्यार कर रहे हैं इसलिए उसने कान जो है इकट्ठे किए हैं बिकॉज शी इज़ फीलिंग पैम्पर्ड। वो देखिए कान उसने सीधे खड़े कर लिए। बहुत अमेजिंग डॉग्स हैं जी, बहुत मज़ा आ रहा है इन डॉग्स को देख के।
नाम दसो अपना बेटा। सुखदीप सिंह। कितों आए जी? बटाले तो। की नाम है डॉग का? ब्लैक क्वीन। फीमेल है? ओके। कितनी उम्र होगी जी यदि? 5 साल की। बच्चे वगैरह भी लेंदे हो तो? नहीं ले कभी, रेस लिए रखी हुई है शौक। ओके। तो होर कितने लेके जाते हो बारे नू? कितने? एवरी टूर्नामेंट। ओके, वेरी नाइस जी। बहुत सोहनी फीमेल है जी। शी इज़ हैविंग मस्कुलर बॉडी, आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार बॉडी है इसकी, बहुत सुंदर मसल्स हैं। और ये अपनी रेस के लिए जा रही है। अभी हम लोग बाहर जाएंगे और दोबारा इनकी रेस को कवर करेंगे। मेरे साथ में एक और सुंदर सा है। ओए सुंदर, क्या नाम है तेरा? कालू नाम तो नहीं है? हैं, फेयर एंड लवली नहीं लगाता तू? ये बहुत प्यारा सा बच्चा है जी एक और, एंड ही इज़ क्वाइट एक्साइटेड। सोच रहा है कि मेरी बारी भी आएगी, मुझे भी भागने का मौका मिलेगा। इसके अगर आप मसल्स देखेंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त है, बारीक बारीक मसल है, बहुत मज़ेदार। और ये जो मसल हैं ये डेवलप होते हैं जब इनकी ये जो ऑनर है इनमें मेहनत करते हैं, बहुत सारी वॉक, बहुत सारी एक्सरसाइज करवाते हैं। ठीक है भाजी, किन्नी प्रैक्टिस करानी पैंती भाजी? 10 किलोमीटर की डेली सैर करवानी पड़ती है। जॉगिंग टाइप करवाते हैं या रनिंग टाइप करवाते हैं? रनिंग करवानी पड़ती है साइकिल के अपने साथ में। ओके, और डाइट वगैरह का क्या रहता है जी? ओके ओके, गुड गुड। कितनी एज का है जी ये डॉग? 22 मंथ्स का डॉग है जी। क्या नाम है इसका? ब्लैक हैंडू। अच्छा, मैं फिर कालू तेरू ठीक ही कह रहा था पुत्र, पंजाबी से कालू ही हो गया। थैंक यू।